वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। अभी इससे पहले आपने एक छोटा सा क्लिप देखा ना, एक या दो सेकंड का, तो आप लोग ये कह रहे सोच रहे हो कि अरे दी ने इतना सा बोल के क्यों कट कर दिया। मुझे ध्यान आ गया, अरे माइक है ना, माइक यूज करना। आप लोगों को यही तो दिक्कत है कि आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा, तो बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्लॉग की शुरुआत हम इस तरीके से कर, अभी मैं नीचे से आ रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा सांस हो रहा है। ये ईद वाले दिन से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, धनु घर पे ही है तो उनको ही कुछ खिला पिला के फिर मैं आ रही हूँ। और पिजन दिखाऊँ, पिजन किस किस को पसंद है? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, देखो पानी पीने आता है यहाँ पे ना रोज़। पापा जी जो है ना पानी रखते हैं इनको पीने के लिए, सारे बर्ड्स जो है उनको पीने के लिए, मतलब ये बहुत बड़ा नेक काम है। मैं दरवाज़ा खोलूँ वैसे ही ना भाग जाए। जा गया भाग गया। ओके, तो धनु का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसको अभी मैंने धो के डाला और वाइट है। वाइट के साथ बहुत दिक्कत होता है, मैं इधर से ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि इधर से सनलाइट आता है ना, उस वजह से लाइट आता है। अभी मैंने लाइट्स ऑन भी नहीं किए हैं। अभी आप देख लो ये सारे काम कैसे हैं। अभी इस पे इसका ना बोर्ड लगेगा जो ऊपर से लगता है, तो काम जो है चल रहा है। मुझे डोर पता नहीं क्यों हमेशा ही बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आज मैं खुल के और अच्छे से बात कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ ये लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है मुझे। आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सकते हैं ये लॉक कुछ हमने इस कलर में मंगाया है, कॉपर कलर में, बिकॉज हमारा जो डोर है बिल्कुल येल्लो जो होता है ना उस टोन में नहीं है, येल्लोइश बोलते हैं ना। ठीक है, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसा होता है ना जिसमें हम लड़खड़ा जाते हैं, जैसे धनु को पता था येल्लो को लल्लो बोलते थे, तो उनको समझ में आ जाता था कि मम्मा इसमें हंस रही हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो एकदम क्लियर करके बोलते थे येल्लो मम्मा येल्लो, जब छोटे थे तब 2-3 साल के। और तो हमने इसीलिए इसको लगाया था। आप बताओ कैसा लग रहा है, मतलब हमारी चॉइस कैसी लगी? हमने दूसरा पसंद किया हुआ था, एकदम से दिखा, हमने बोला एक बार ये ट्राई करते हैं, हमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हमने ये वाला लगाया। तो कॉपर में ही सारे जितने भी हैं ये डोर में ऐसे लगे हुए हैं। काम जो भी फिनिश नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूँ जो है काम चल रहा है। तो फिलहाल पता है क्या हुआ, जितने भी ये बिजली के काम है ना, बैठ जाऊँ इसमें, हाँ डर गई, ये जो बिजली के काम है ना, ये सब बोर्ड वगैरह ऐसे निकले हुए, क्योंकि ये देखो हमें लाइट्स वगैरह लगाना है ना, उन सब का कट करना है, वो झिर्री काटना बोलते हैं शायद, तो इसकी वजह से। और मंदिर में आपने देखा सामान रखा हुआ था, वो सामान उठ के यहाँ आ गया है, ये सारा यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा सामान रखा गया है। और ये फ़ोटो हमारी, यार सब गंदा हो रहा है, कुछ ऐसे ट्रिम टाइप का लगा हुआ है। अभी आपको लग रहा है ना कि मैं क्यों टूर करा रही हूँ, क्यों दिखा दे रही हूँ पता चला, लेकिन नहीं, आपको जो फाइनल लुक आएगा ना उसका भी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। मेरा टीवी, मेरी दहेज की टीवी, हो मेरी दहेज की टीवी कोने में घुसी हुई, डर लगता है ना ऐसे ग्लास का कुछ भी होता है तो टूट जाएगा। तो और ये यहाँ पर भी ऐसा डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पर देखते हैं हमें सेलेक्ट करना है कि क्या लगाना है। और बस अभी तो यहाँ का फिलहाल ही, इसमें का भी डोर लग गया, कुछ बाथरूम का भी सब कुछ चेंज करना है, इसमें लाइट्स वगैरह जो भी लगने हैं वो लगना है। और मैंने माइक तो लगा लिया है बट मुझे पता नहीं है वॉइस चढ़ रही है नहीं, जाननी तो चाहिए। ठीक है, तो यही सारे काम हो रहा है अभी। इस पर ये लगा हुआ है रैपर जो है, ये बबल रैपर बोलते हैं, ये लगा हुआ है कि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। यहाँ पर हमारा सेंसर वाला डोर लगा हुआ है, मतलब एक अच्छे से फीलिंग आएगी ना इसको। कल पापा जी हैं कह रहे हाई कह के लगे वो खोल रहे थे बाहर से, वो खुला नहीं, हम अंदर थे, हाई कह के लगे वो लोग जल्दी चेंज करा वाला लगी ऐसे बोला उन्होंने। हमने बोला ठीक है, हमने इसलिए सोचा कि इसका जो है इंतजाम करते हैं, दो दो कीज है ना, तो कर देंगे ऐसे कि फिर बाहर से जो भी आना चाहे आ सके। बस बाकी सारा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है यार इस फ्लोर पर, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है। तो अभी जो अभी कुछ सामान यहाँ पर आप देखो पैक करके रखा हुआ है ना, ये सारा सामान है, एसी वगैरह सब कुछ पैक किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति देव जी का ये बनवाने का डिसीजन जो था काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत सही था कि उन्होंने ये बनवाया, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, मतलब रिच लुक आ रहा है। और अच्छा, मंदिर के लिए बार बार पूछ रहे हैं आप लोग, तो ये जो है मैं आपको बताऊँगी किसी ब्लॉग में अच्छे से क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और ये अलमारी इसके सारे कपड़े निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, और मुझे ये सारे कपड़े फिर उठा के इधर रखने हैं, यही तो दिक्कत है। बार बार ये काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक ही काम को यहाँ से उठा के यहाँ रखो, यहाँ से उठा के यहाँ रखो, यहाँ से उठा के यहाँ रखो। तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, है ना, तो
थोड़ा मैं देख लूँ अपना क्या काम करना है कैसे करना है उसके बाद। सो गाइज, आज मैंने सोचा कि यहाँ पे जो कपड़े पड़े हैं ठीक है, बाद में अलमारी इधर उधर होगा तो होगा, तब तक मैं रख देती हूँ। और ऐसे ही मैंने रख दिया कपड़े, तो ढेर देख के ना आपको भी लगेगा यार कितने हैं सब। मैं जब मैं ये अलमारी यहाँ से हटाऊँगी ना, तो सारे जो चीज़ें हैं छाट के रख दूँगी। ये मोटे मोटे जो मैंने पहले, अभी मायके जाने से पहले मैंने इसे पैक कर दिया था, बिकॉज इसमें विंटर के भी हैं वुलन जो कपड़े होते हैं वो सारे, तो सारे जो फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। कुछ थोड़ा बहुत मुझे रवीना ने भी हेल्प किया था ये सारी चीज़ें करने में। दिखाएंगे इधर से, पापा 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 दो ही तीन कपड़े हैं ये प्रेस के लिए, पापा से कुछ कह रहे हैं। हो गया मेरा बेड खाली, और दोनों देखने फिर दिया आज। तो ये अब रात का टाइम है, मतलब जो होता है ना डिनर का टाइम वो है। आपको पता है लहसुन प्याज के बिना नवरात्रि में खाना बनता है, और हमारी आदत इतनी गंदी है स्पेशली मेरी कि बिना लहसुन के जो, बिना लहसुन प्याज का जो खाना होता है ना, मुझे उसमें से स्मेल आती है। लोगों को लहसुन प्याज से आती है, और मुझे बिना उसके, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं टेस्टी बना पाती हूँ, ना मुझे कोई टेस्ट आता है, ना मैं खा पाती हूँ। सो यहाँ पर ये बना हुआ है रायता, और ये है सिंघाड़े का आटा, क्योंकि पापा जी का ही सिर्फ फास्ट है 9 दिन का, तो उनके लिए व्रत का खाना बनता है। बाकी मेरा तो पहला और लास्ट मैंने बताया था, और इनका भी, तो वो मैंने गूंद के रख दिया, रायता बना दिया, सब्जी बन गई है। और ये सारी जो चीज़ें हैं साइड कर दिया, कि मतलब सिर्फ मैं तल के दे दूँगी, क्योंकि ना वो रोटी जो है अगर आलू नहीं डालो तो टाइट हो जाता है वो पूरी, और पापा जी को फिर दिक्कत होगा खाने में, इसलिए मैं उसको गर्म गर्म तल दूँगी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चोखा, जिसमें लाल मिर्च जो है ना उसको भून के तब मैंने डाला, कि थोड़ा सा अच्छा सा स्वाद आएगा, क्योंकि ऐसे डाल देती हरी मिर्च तो अलग स्वाद आता है, ये थोड़ा सा अलग के लिए, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालना नहीं है। और ऐसे एक अच्छा वाला चोखा बनाया दाल चावल के साथ, कि हम लोग डिनर कर लेंगे। ऐसी जगह छुपूंगी ना, रखना दिख रही थी। बिल्कुल सब पता है, आप तो ये बता सकती हैं। आपको तो पता है। आपके घर वाला हाँ वही। खांसी मम्मा ने मंगा दिया था। कैसे मम्मा ने खांसी मंगा दिया था? बंद नहीं हुआ था। क्यों पूछो कैसे खांसी मंगा दिया मम्मा ने? ऐसे ऐसे स्टाइल मत मानो, ज्यादा हीरो नहीं बन गए हैं?
चल जाएगा तो सुंदर बताड़ी होगी। बहुत चलाक हो, बहुत चलाक हो। पता नहीं किधर से आवाज है। फॉल सीलिंग में ऊपर। इधर से तो आवाज नहीं आई, इधर से ही तो आई थी ना, मैंने तो नहीं सुना। मुझे लगा छत पर से आई थी। छत पे ही जा रही है। ठीक है, फिर कहीं ना आवाज आ जाए। अरे उस छत पे नहीं, वो तो बाहर दरवाजे गए नहीं, फॉल सीलिंग पे ऊपर। हाँ देखो आवाज आ रही है, आवाज कुछ पुट पुट सी। सेकंड फ्लोर से आवाज आ रही है कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। निकलो करो धप्पा, बिल्ली की तरह आँख गिर जाएगा। देखो आराम से, आप मेरे को ढूंढ के दिखाना, ठीक है? ओके, आप यहाँ पे बैठो। सो गाइज, ये है मॉर्निंग टी। टी को लेके कुछ ज़्यादा ही बवाल मच रहा है, बट मत मचाइए, जो हमेशा से मेरा रूटीन रहा है वही रहेगा हमेशा ही। तो मैं पापा जी को चाय देके फिर पतिदेव जी को उठाती हूँ, जब उनका टाइम होता है ना फ़ोन करके बुला लेती हूँ। फिर हम दोनों ने चाय पिया, उसके बाद धनु का जो लंच है ना, आलू का पराठा फटाफट से तैयार किया। और आपने देखा ना, मैं हाथ फूंक रही थी, मेरा हाथ जल गया, आज तवे में से चिपक गया और स्किन वहाँ से ऐसे निकल गया। सो गाइज, धनु को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। मॉर्निंग मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। आइए, हाँ बोलिए, दिखा दिया, कर दिया मैंने आपकी तरफ कैमरा बंद। धनु इधर बोलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। धनु का तो वो मिला ही नहीं। क्या? आई कार्ड। सही में? हाँ, रुक बेटा। सुनो, आपको एक आगे देखो, एक गर्ल दिख रही है, फ्रेंड्स करना है आपको, पता है कि धनु का जैसा बोतल है ना पानी का, ये ऐसा ऐसा ही सामने एक लड़की स्कूटी पे है, अपने पापा के साथ आई हुई है जाने के लिए। बस स्टॉप पर वो भी खड़ी है, उसकी भी कोई बस आ रही होगी। तो बोतल देख के उसकी कह रही है, क्या मेरा बोतल रखे हो? उसको लगा मेरा बोतल वहाँ कहाँ से चल गया, सेम ही था। ये इसकी बस है, ये बुढ़ा हो गया है ना। धनु मेरी क्या है? धनु किसका बच्चा है? पहले एक सवाल का जवाब, धनु किसका बच्चा है? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब, धनु किसका बच्चा है बोलो। और कभी बोल भी देना मम्मा का तो फिर कहता है पापा का। तो गाइस, हम आए हैं बस स्टॉप पे और आज बस लेट है, रूट में हमारा ना ऐसे वो देते है ना ट्रैक करने के लिए, ऐप में मैप शेयर कर देते, क्या शेयर करते हैं, लोकेशन, बस का रूट, हाँ रूट शेयर कर देते हैं। तो बस हम वेट कर रहे हैं और फिर चलते हैं। आज मेरी हाथ जल रही है, जैसे स्किन निकल, मतलब ये वाइट सी यही है एक्चुअली। पता है क्या, धनु के साथ इनको शुरू से ही कर रखा, मतलब कोई भी चीज़ ने बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर अपने पैर ऊपर कर रखा, बहुत अच्छी दिल कराता है, नीचे कर दी, साफ सुथरा क्लियर चीज़ें, मतलब रोटी है ना, कहीं से बिल्कुल कच्ची नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं से थोड़ी सी भी जली भी नहीं होनी चाहिए, साफ आ रहा है ना कैमरे पे, नहीं बेटा कुछ और है। मैं कह रही हूँ रोटी की बात करेगा, तो इनको बिल्कुल प्रॉपर एकदम अच्छे वाला रोटी चाहिए होता है,
इतना सा खाएंगे ना जो साफ सुथरा से, इतना सा भी अगर सॉक्स इधर उधर रहेगा ना पैर में पहनेंगे, उसको जब तक ठीक नहीं करवाएंगे नहीं कह सकते लेट हो रहा है। कपड़े में इतना सा अगर लंच वंच पे पता नहीं, फ़ोन करती हूँ मैडम को, लंच का थोड़ा सा कुछ खाना ना कुछ भी गिर जाएगा ना कपड़े पे, ये अब नहीं पहनूंगा। उसके बाद में जब आई स्कूल से धनु को छोड़ के, एक्चुअली आज उनकी जो बस है ना वो काफ़ी लेट आई थी, मतलब शायद थोड़ा सा रूट चेंज हुआ है, किसी और सेक्टर के बच्चों का एडमिशन हुआ है तो वही रूट अभी मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ऐसे लेट हो जा रहा है, तो थोड़ा सा इनके ऑफिस के लिए भी लेट हो जाएगा इसकी वजह से। तो फटाफट से रोटी जब बनाई ना यार, फटाफट वर्ड बहुत यूज़ कर रही हूँ, इरीटेट नहीं हो जाए कोई। फिर मैंने उनका पैक किया और उनको लंच दिया और बनाना शेक फिर बनाई, इसीलिए मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। पूजा मैंने कर लिया, अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता से एक चीज़ याद है वो बता दूँ, थोड़ा सा फेस वेस लग रहा है, सर में इतना दर्द हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे सर में दर्द होता ही रहता है, जब थोड़ा कम भी आप लोग से बोल रही हूँ, आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने बोला कि चेक करवा लो माइग्रेन हो सकता है, बट करवाया नहीं, पता नहीं कैसे, मतलब ये लाइट क्यों कम हो गया, अच्छा मेरे फ़ोन को पता नहीं एकदम से लाइट एकदम से कम हो गया था, तो अभी वही। और किसने बोला था लिप्स पे क्या लगाया थे, शायद इसी को आपने पूछा होगा, क्योंकि मैं तो कुछ मेकअप करने भी लगा नहीं है ना आजकल, कुछ हवा ऐसे चल रहा है ना जो इस महीने में चलता है, चैत महीने में जो चलता है अप्रैल में, तो लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, फट जाते हैं, ब्लड आने लगता है, मेरा तो इतना ज़्यादा नहीं होता बट फिर भी ड्राई होता है, जिसकी वजह से ना टंग बार बार जाता है लिप्स पे, तो ये मैंने एक वो लगाया है लिप बाम ऐसे लगा लिया नॉर्मल सा, कि ये बहुत इरीटेट करता है ऐसे तो इसलिए। और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ तो इसलिए मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों से बता दूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, फ़ैन की आवाज़ से सुनाई नहीं दे रहा, तो धीरे बोलती हूँ मैं, इतना पता नहीं क्यों फ़ोन में ही दिक्कत है, लाइट क्यों कम हो जा रहा है मेरे फ़ोन का, तो कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं, खाना जो है हमारा साथ में ही बन रहा है, अलग नहीं बन रहा है। अगर आप लोग खुद ही सोचो कि अगर मुझे अलग खाना बनाना होता तो मैं उसी किचन में क्यों बनाती, तो ऐसा नहीं है, तो बहुत से लोगों को डाउट था, कन्फ्यूज़न था कि खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ऐसे करके मैं बोल रही हूँ, मतलब कि मैं अलग अलग बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, खाना साथ में ही है। बाकी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया और बोला हुआ भी है, तो ठीक है, आप लोग को मेरे लिए जो कुछ भी बोलना है आप लोग बोलो, और जैसा जो भी होगा मैं आप लोग अपडेट देती रहूँगी, बताती रहूँगी। और ब्लॉग को आप लोग इंजॉय करो, इंजॉय नहीं कर सकते तो पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल जो मेरे ब्लॉग जा रहे हैं उसमें क्या ही आप लोग इंजॉय करोगे, मैं खुद ही जब सेट यही होता है, इसलिए ना लोगों को दूसरों को खुश रखने के लिए ना खुद का खुश होना बहुत ज़रूरी है, हम जब खुश रहते हैं ना तभी हम किसी को खुश रख पाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज से, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोगों को पता है कंडीशन ऐसे चल रही है, नानी जी वैसे ना थोड़ा सा तो मायूसी आ ही गई है, थोड़ा सा क्या जब कोई भी जाता है तो खाना और कमाना नहीं छोड़ता, काम करना नहीं छोड़ता है, बट हंसना ज़रूर छोड़ देता है, थोड़ी मायूसी आ जाती है हर किसी के चेहरे पे आ जाती है, और जिसका क्लोज जिसका रिश्ता हो तो उसका तो फिर बात ही अलग होता है। कोई नहीं, मेरी जो ननद है ना पूजा, वो बहुत बहुत रो रही थी, कुछ यादें कुछ मेमोरी ऐसी थी जो उन्होंने शेयर किया था नानी जी के साथ का, तो थोड़ा सा मतलब इमोशनल सीन तो था ही, मुझे भी ध्यान आ गया अपनी दादी का बाबा का। इनफैक्ट आपको बताऊँ मैं, मेरे बाबा और दादी जो है ना दोनों का काम एक ही साथ हुआ था, तेरे भी, खैर वो सब क्या स्टोरी बताऊँ क्या हुआ था कैसे हुआ था। बाबा की तो एज हो गई थी, बीमार के 2-4 दिन के लिए ऐसे बीमार पड़े थे, 2005 में, हाँ वो लोग 2005 में मुझे छोड़ के चले गए थे, बहुत प्यार, धनु का आने का टाइम हो रहा है इसलिए अलार्म लगा रखा था इसलिए कट गया, तो 2005 में चले गए थे वो, मुझे बहुत प्यार था, बहुत अटैचमेंट था उन लोगों से। खैर कोई नहीं,
बस अब ब्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैं इस यही बात कर रही थी आप लोगों से कि कोशिश करते हैं कि आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो, अच्छे से ब्लॉग लेके आए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि इंसान थक के परेशान होके मोबाइल उठाता है ना, कुछ भी होता है ना, देखो हम परेशान रहते हैं कुछ भी मोबाइल उठा लेते हैं, मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं, तो जैसे जैसे देखते हैं ना हमारा इमोशंस उसी के साथ वो चला जाता है। तो यार दुनिया में बहुत गम है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, हर किसी के पास अपना अपना है। मतलब अगर बोला जाए ना तो एक गाना सुना है ना, वही हमेशा याद आता है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गए, वो वाली हाल है। तो ठीक है, आप लोगों खुशी के साथ दुख सबको शेयर करना चाहिए, ताकि कभी कोई और इंसान जो है सामने वाला जो देख रहा है हमारा वीडियो वो इस जोन में ना जाए यार कि इसके लाइफ में सब कुछ ठीक ही है, हैप्पी हैप्पी है, तो हम दुखी हो जाते हैं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों। तो नहीं, दुनिया में सबके साथ सब कुछ होता है, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है, तो मतलब चीज़ें अलग हो जाती है, जैसे कोई किसी और चीज़ से परेशान है तो कोई किसी और चीज़ से परेशान है, किसी और बस यही सारी चीज़ें चलती रहती है। तो कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए, कुछ अच्छा लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे। थोड़ा कम बोल रही हूँ ना, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हंसना पड़ता है, हंसना ज़रूरी है। कितनी काली लग रही हूँ मैं, सीढ़ी में मम्मा ने और आप ही छोड़ के चले गए, ये कोई बात होती है क्या? वापस गिरा है, ये कोई बात होती है क्या? मम्मा को ऐसे परेशान किया जाता है क्या? देखो देखो यार, गंदे बच्चे को तो देखो जरा कैसे परेशान कर रहा है। अब कल तो स्कूल की छुट्टी है, कल तो स्कूल की छुट्टी है, आपको पता है जहाँ लाइट तो बंद है। कौन सा भाई? अंधेरा कायम रहे, रोशनी कायम रहे। रोशनी में इतनी शक्ति होती है वो अंधेरे को चीर के सामने आ जाती है। क्या बेटा ये कोल्ड, ये देखो बड़ा माल, गाइस देखो इनको बड़ा माल, इनको बड़ा माल, बड़ा माल आ गया, इनको पिट्टी करो इनकी, कोल्ड ड्रिंक देखे पता नहीं बच्चों को क्या हो जा रहा है। क्या आपको पहले खाना खाना है, रोटी खानी है, ड्यू बाद में लेना, पहले रोटी खाओ फिर मैं आपको अभी, अभी, अभी। अभी क्या, अभी नहीं, फिर आपको पेट भर जाएगा ना, फिर खाना नहीं खा पाओगे, खाना खा के फिर भी लेना प्लीज, प्लीज ऐसे नहीं करो उठ जाएगा। बूम, चलो अब करते हैं मैजिक, खुल गया, क्योंकि अब उल्टा खोल रहे हो, ये इधर से खुलेगा, इधर ऐसे घूमेगा, हाँ आपसे नहीं खुलेगा ना, रोटी खाओगे तब खुलेगा, चलो रोटी प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, आप एक बार बोलो कि पीके रोटी खाओगे, थोड़ा सा पीके रोटी खा लेना है ना, ओके खोलते से रोटी कौन खाता है, कोल्ड ड्रिंक देख के इतनी खुशी। देखो ये जैसे
अच्छा वो फैल जाता है, वो सरफेस एरिया जो उसका है ना उस पर पड़ता है जब ऐसा बहुत पतला हो गया था इसकी जैसा, जैसे कि वो उसकी तरह ही होगा, जैसे ये उसकी तरह होगा, जैसे ये है ये उसकी तरह होगा, जिसमें यहाँ पे और क्या रखेंगे उधर स्कूल में तो कैसे मैडम आपको लेके गई, कहाँ लेके गई, आपको क्या लग रहा था उस टाइम कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कैसे था, क्या फील हो रहा था बताओ। वन बी था, हमको समझ में नहीं आया, भूल गया था मेरे को वन बी में जाने में। अच्छा तो याद आया मेरे को, तो मैंने सोचा वन बी है तो यस वन बी था ना। हां हां मैं आगे गया आगे गया ऐसे दरवाजा है दरवाजा है उसमें चले गए। वाओ फिर आपको फर्स्ट क्लास मिल गया। वन अरे मम्मा वन बी को फर्स्ट क्लास क्यों बोल रहे हो? वन फर्स्ट वन मतलब फर्स्ट होता है बेटा। अच्छा चाय से खाओगे सॉस से ये बताओ, आपको आज आलू भी दूंगी ठीक है, आज एक आलू दूंगी खा लेना छोटा सा। आप नारियल पियोगे? नारियल देखो आपके साथ धोखा कर दिया था मैंने, खाली नारियल आपको पिला रहे, उसमें नारियल में पानी ही नहीं है वही पिला रहे हैं। जो बॉय होते हैं हाँ। वो हाथ में ये नकली नेल्स लगाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं लगाते, गर्ल्स लगाती हैं, बॉय लगाते हैं। मम्मा हाँ। जैसे वो वाला होता है ना वेडी टेबल ऑफ फ्रूट, उसका एक और एक नेल्स आता है जिसके ऊपर एक वो नहीं लगा होता व्हाइट और एक तरबूज वरबूज हाँ। वो याला लगा लेना ठीक है, तक मम्मा का नेल्स सुंदर दिखे। आओ उससे काट भी सकते हो कुछ भी। चलो अब खाना खा लो, फोन रख दो।